हेलो दोस्तों, आज हम देखेंगे डोरेमोन के बर्थडे स्पेशल एपिसोड को। दोस्तों ये एपिसोड कुछ स्पेशल होने वाली है क्योंकि इस एपिसोड में हम परमैन को देखेंगे जो कि मदद करेगा नोबिता की डोरेमोन की हेल्प करने के लिए। तो एपिसोड के शुरू होते ही हम नीना को देखते हैं जो अपना काम करने के बजाय परमैन के शो देख रही होती है, लेकिन तभी उसके कमांडर का कॉल आता है और कमांडर उसे कहने लगते हैं कि तुम अपना काम करने के बजाय फिर से परमैन का शो देख रही हो और तुम्हारी मॉम कहाँ है। तभी नीना कहती है कि आप फिक्र मत करो, मैंने उसको पकड़कर सेल में रख दिया है और ये कहीं भागकर नहीं जा सकता। लेकिन तभी अचानक से एक एस्ट्रोनॉट उसके स्पेसिस पर टकरा जाता है और बॉम्ब के सेल का ग्लास टूट जाता है और वो वेंटिलेटर से बाहर निकल जाता है। तभी नीना उसे देख लेती है और वो स्पेसिस बाइक में उसको कैप्चर करने के लिए जाती है, लेकिन उसकी बाइक खराब हो जाती है और मंक सीधा अर्थ की तरफ चला जाता है। वहीं हम देखते हैं कि नोबिता और उसके दोस्त ट्री हाउस बना रहे होते हैं, लेकिन नोबिता ट्री हाउस बनाने के बजाय परमैन शो देख रहा होता है और डोरेमोन के डोरा केक खा रहा होता है। और डोरेमोन नोबिता को देख लेता है और उसे अपना डोरा केक मांगने लगता है, लेकिन नोबिता डोरा केक डोरेमोन को नहीं देता है। और तभी टीवी पर डोरा केक की एड आने लगती है और इसलिए डोरेमोन टीवी बर्ड लाइन गैजेट निकालता है और टीवी से डोरा केक को बाहर निकालता है। और तभी उसी टाइम मोंग वहां पर गिरता है और उसके गिरने की वजह से बहुत जोर से आवाज़ आने लगती है। तभी सब वहां देखने जाते हैं लेकिन मोंग वहां से भाग चुका होता है और मोंग सीधा डोरा केक में चला जाता है। वहीं सब लोग ये सब देख रहे होते लेकिन उन्हें कुछ वहां नहीं मिलता और इसी बीच डोरेमोन डोरा केक को खा लेता है जिसमें कि वो मोंग होता है। नोबिता को डोरा केक में एक आग दिखती है लेकिन उसको लगता है कि शायद वो वहम होगा। थोड़ी देर बाद वो लोग आधा ट्री हाउस बना लेते हैं और शाम होने के कारण वो सभी लोग घर की तरफ जाने लगते हैं। रात होते ही नोबिता के डैड घर वापस आ रहे होते हैं, लेकिन तभी उन्हें रास्ते में जायंट रकून दिखता है। लेकिन नोबिता के डैड उसे गॉड समझते हैं और उनके पास जो खाना होता है वो उसे दे देते हैं। और तभी रकून वहां से चला जाता है और ये जायंट रकून कौन है ये तो हमें आगे पता ही चल जाएगा। सुबह होते ही नोबिता डोरेमोन को उठाता है, तभी नोबिता देखता है कि उसके पास बहुत सारे पत्ते पड़े हुए हैं। ये देखकर नोबिता को थोड़ा अजीब लगने लगता है और थोड़ी देर बाद नोबिता अपने ट्री हाउस की तरफ जा रहा होता है। तभी उसे रास्ते में एक लड़की दिखती है, वो लड़की कोई और नहीं बल्कि नीना थी और वो परमैन के डॉक्यूमेंट्री के बारे में बात कर रही होती है। ये सुनकर नोबिता काफ़ी खुश हो जाता है और वो नीना से पूछता है कि क्या तुम परमैन को पसंद करती हो। तो वो कहती है कि मैं परमैन को पसंद नहीं करती बल्कि मैं परमैन को बहुत बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ। ये सुनकर नोबिता काफ़ी खुश हो जाता है और दोनों परमैन की पावर के बारे में बात करने लगते हैं और सभी लोग ट्री हाउस की तरफ जाते हैं और वो देखते हैं कि उनका ट्री हाउस किसी ने रात को बुरी तरह से तबाह कर दिया है और उसी टाइम उन्हें वहाँ बहुत बड़ा फुटप्रिंट मिलता है। थोड़ी देर बाद नोबिता सिजुका को नीना से इंट्रोड्यूस करवाता है, तभी वो देखता है कि उसका ट्री हाउस किसी ने तबाह कर दिया है। वहीं नीना को मोंग का सिग्नल मिलता है और वो उसे पकड़ने के लिए वहाँ से निकल जाती है, लेकिन नीना की परमैन की डॉक्यूमेंट्री वाली बुक नोबिता के पास ही रह जाती है। अब उन्हें समझ नहीं आ रहा होता है कि वो कैपिंग कहाँ पर है। तभी डोरेमोन ट्री हाउस सेट निकालता है और उसे ज़मीन में गाड़ देता है और उस वाटर कैन से उसमें पानी डालता है और थोड़ी देर बाद पांच लोगों के लिए रूम बनाता है और वो उस कर पैक को पकड़ने के लिए फ्लाइंग हल एंड अलार्म सिस्टम लगा देता है और इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं ये बताने के लिए वो जियान को इस रस्ते खड़े होने को बोलता है। और उसमें खड़े होते ही जियान सीधा आसमान में उड़ जाता है और डोरेमोन बताता है कि कपरेट इस पर पाँव रखते ही आसमान में उड़ जाएगा और इस अलार्म से हमें पता लग जाएगा कि वह कब आया था। और वो सब उस गैजेट को ट्री हाउस के सराउंडिंग में लगा देते हैं और रात होते ही हम देखते हैं कि नोबिता ट्री हाउस में अपना होमवर्क कर रहा होता है और डोरेमोन परमैन की बुक पढ़ते हुए सो जाता है और वो अचानक से नींद में चलते चलते बाहर चला जाता है। तभी नोबिता बाहर देखता है तो उसे बहुत बड़ा जायंट रकून दिखता है और ये देखते ही नोबिता नीचे गिर जाता है और वहाँ पर अलार्म बजता है। वहीं सब अपने रूम से बाहर आ जाते हैं और वो देखते हैं कि वो और कोई नहीं बल्कि डोरेमोन होता है। अब हम आसमान में नीना को देखते हैं जो मोंग के सिग्नल को फॉलो कर रही होती है। तभी सिग्नल कट हो जाता है और कमांडर का फोन आता है और वो बताते हैं कि मुझे लग रहा है कि मोंग किसी इंसान के शरीर के अंदर चला गया है, इसलिए मैं उसे ट्रेस नहीं कर पा रही हूँ। और वो कमांडर को कहता है कि सिर्फ दो दिन ही बचे हैं, तुम्हें अपनी जी जान लगा के उसको ढूंढना पड़ेगा और हम भी वहाँ पर आ रहे हैं। और ये सुनते ही नीना उसे ढूंढने के लिए वहाँ से निकल जाती है। नोबिता अगले दिन फिर वहीं पर जाता है जहाँ उसे नीना मिली थी। तभी वो देखता है कि नीना वहीं पर ही थी
और वो उसे उसकी बुक लौटा देता है। तभी नोबिता को एक बॉक्स दिखता है और वो पूछता है कि ये बॉक्स किसके लिए है, और नीना बताती है कि ये बॉक्स एक एलियन को पकड़ने के लिए। तभी नोबिता कहता है कि क्या तुम सच में आउट ऑफ स्पेस से हो। तभी नीना नोबिता से हाँ कहती है और कहती है कि मैं एक मॉन्क जैसे एलियन को पकड़ने के लिए यहाँ पर आई हूँ, वो मेरी गलती की वजह से तुम्हारे इस प्लेनेट पर आ गया है। और वो नोबिता को मॉन्क की हिस्ट्री बताती है कि वो एक ऐसा पैरासाइट है कि वो किसी भी इंसान के अंदर चला जाता है बिना उस इंसान के पता चले, और वो एक्टिव तभी होता है जब कोई इंसान या एलियन सोया हो, और सोते ही वो इंसान या एलियन जायंट में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और सारे प्लेनेट के रिसोर्सेज को खा लेता है, और उसी के कारण बहुत सारे प्लेनेट तबाह हो चुके हैं, और इसीलिए मैं उसे जल्द से जल्द पकड़ना चाहती हूँ, कहीं वो तुम्हारे प्लेनेट को भी तबाह ना कर दे और सारे रिसोर्स ना खा जाए। और नीना जाने से पहले नोबिता को कहती है कि अगर तुम्हें परमन मिले तो तुम उसे यहाँ पर लेकर आना, और फिर वो वहाँ से चले जाती है। और नोबिता को परमन के रियल में होने का एहसास ही नहीं होता, उसे लगता है कि परमन रियल में होते ही नहीं। और शाम होते ही नोबिता अपने घर जा रहा होता है, तभी उसे रास्ते में डोरेमोन मिलता है और नोबिता उसे मॉन्क के बारे में बताता है। और नोबिता को शक होता है कि वो मॉन्क डोरेमोन के अंदर तो नहीं है, क्योंकि उसने डोरा केक के अंदर एक आग देखी थी, और उसे लगता है कि शायद उसका वहम है। थोड़ी देर बाद दोनों घर पहुंचकर खाना खा के सोने की तैयारी कर रहे होते। वहीं आधी रात को नीना हाइफून फ्रूट निकालती है और उसकी स्मेल को पूरे शहर में मिला देती है, और उस स्मेल को डोरेमोन सूंघ लेता है और उसे फॉलो करते हुए बाहर चला जाता है, और उसकी आवाज़ से नोबिता भी जाग जाता है। तभी नोबिता बाहर देखता है कि डोरेमोन कहीं जा रहा होता है, और तभी डोरेमोन जायंट रकून में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, और डोरेमोन उस फ्रूट की स्मेल को फॉलो करते हुए पहाड़ी की तरफ निकल जाता है। और नोबिता बिना टाइम वेस्ट किए डोरेमोन का पीछा करने जाता है, और उसे वहाँ नीना मिलती है, और डोरेमोन भी वहाँ पर पहुँच जाता है। वहाँ पर नीना के जाल में वो फंस जाता है। तभी नीना डोरेमोन को फ्रीज करने के लिए फ्रीजिंग गन निकालती है, लेकिन नोबिता उसे शूट करने से रोक देता है, और वो गन का निशाना डोरेमोन को लगने की बजाय जमीन पर लग जाता है, और जमीन फ्रीज हो जाती है और नीना के पैर भी फ्रीज हो जाते हैं। तभी डोरेमोन उस जाल से निकल जाता है। तभी नोबिता डोरेमोन को हापन फ्रूट खिलाता है और डोरेमोन को अपने ट्री हाउस के पास ले जाता है। तभी नोबिता डोरेमोन को पहले जैसा करने के लिए हापन फ्रूट को रस्सी के पास फेंक देता है, और डोरेमोन उस फ्रूट को खाते ही जंप करता है और नीचे गिर जाता है, और नीचे गिरते ही अपने नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है, और वो अपने होश में आ जाता है, और वो टीवी की मदद से देखते हैं कि वो जायंट रकून कोई और नहीं बल्कि वो खुद है, और वो अपने अंदर से उस मॉन्क को निकालने के लिए बहुत सारे गैजेट का इस्तेमाल करता है, लेकिन वो नाकाम हो जाता है। तभी डोरेमोन डोरेमोन को बर्थडे विश करने के लिए उसे कॉल करती है, और नोबिता बताता है कि यहाँ पर बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है, और वो डोरेमोन को जल्दी से यहाँ पर आने के लिए कहता है। तभी डोरेमोन बिना देरी के वहाँ पर पहुँच जाती है, और नोबिता मॉन्क के बारे में उसे सब कुछ बता देता है। तभी डोरेमोन मिनी डोरा को स्मॉल करके डोरेमोन के अंदर भेजती है, और थोड़ी देर बाद मिनी डोरा डोरेमोन के शरीर से बाहर आता है और बताता है कि मुझे डोरेमोन के अंदर कुछ भी नहीं मिला। तभी डोरेमोन कहती है मैं इसका हल ढूंढने के लिए फ्यूचर में जाऊंगी और शाम तक वापस आ जाऊंगी। और तभी डोरेमोन को जाते हुए नीना देख लेती है। वही डोरेमोन और नोबिता फिशिंग कर रहे होते हैं, और नीना वहाँ पर आ जाती है और उन्हें बिना बताए उन पर शूट करने वाली होती है, लेकिन नोबिता उसे रोक लेता है और उसे कहता है कि रुक जाओ, और वो उसे बताता है कि डोरेमोन फ्यूचर में गई है इसका हल निकालने के लिए। लेकिन नीना उसे कहने लगती है कि तुम समझ नहीं रहे हो, अगर मॉन्क किसी के शरीर में चला जाता है तो वो कई दिन बाद उसके शरीर में हमेशा के लिए कब्जा कर लेता है, और उसके बाद उसे निकालना नामुमकिन हो जाता है। और नीना नोबिता को बताती है कि उस दिन के बाद सिर्फ हमारे पास कुछ ही घंटे बचे हैं। नोबिता कहता है कि फ्रीज करने की वजह से डोरेमोन का शरीर पूरी तरह से टूट जाएगा, लेकिन डोरेमोन इस बात से एग्री कर लेता है, लेकिन नोबिता इस बात से बिल्कुल एग्री नहीं होता। तभी नोबिता को एक आइडिया आता है, और वो नीना से स्नैक मांगकर डोरेमोन को खिला देता है, इससे डोरेमोन की नींद भाग जाती है। नोबिता पूछता है कि बाकी का फूड कहाँ पर है। तभी नीना बताती है कि उस मंदिर के पास है, और वो दोनों मंदिर के पास जाने लगते हैं। वहीं डोरेमोन चूहे को देखकर बेहोश हो जाता है, और इसी की वजह से उसके अंदर का मॉन्क जाग जाता है और जायंट रकून में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, और ये सब कुछ नीना और नोबिता देख लेते हैं। अब डोरेमोन उनकी तलाश में शहर की तरफ निकल जाता है,
और नोबिता उसका ध्यान अपनी तरफ करने के लिए हाफ ऑन फ्रूट खिलाता है और उसे ट्री हाउस की तरफ ले जाता है और वाटर कैन का पानी उस ट्री हाउस में डालकर उसे और बड़ा बना देता है। नोबिता उस ट्री हाउस में पानी डाल ही रहा होता है कि तभी नीना की बाइक खराब हो जाती है और वो वाटर कैन उसके हाथ से नीचे गिर गया था, लेकिन सिजुका वहां पहुंचकर उसे पकड़ लेती है और जियान सुनियो भी वहां पर आ जाते हैं। सिजुका जियान और सुनियो को डोरामी ने वहीं पर बुलाया था। तभी सिजुका नोबिता को कैन पकड़ाती है और उसे बेम्बू कॉप्टर देती है और जियान उसे हैपन फ्रूट खिलाते हुए ऊपर लेकर जा रहा था और नोबिता पानी में डालते हुए ट्री हाउस को बड़ा कर रहा था और अब पानी भी खत्म हो चुका था। वहीं नोबिता को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि क्या किया जाए। तभी नोबिता गलती से उस कैन का डिस्ट्रैक्ट बटन दबा देता है और वो पेड़ पहले जैसा बन जाता है और इसीलिए वो दोनों नीचे गिरने लगते हैं। और तभी नीना अपनी बाइक लेकर आती है और नोबिता को नीचे गिरने से बचा लेती है और इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद भी डोरेमोन उठ जाता है और शहर की तरफ निकल जाता है। और ये देखकर नीना को समझ नहीं आता है कि मोंग को कैसे रोका जाए और नीना कहने लगती है कि काश यहाँ पर परमैन होता। और ये कहते ही नोबिता को आइडिया आता है और वो डोरेमोन को कॉल लगाता है और उसे कहता है कि गैजेट की मदद से परमैन को टीवी शो से बाहर निकालो और परमैन को इस दुनिया में लेकर आओ। नोबिता ये सब डोरेमोन को बता ही रहा होता है कि वो पेड़ उनके ऊपर गिरने वाला होता है और जैसे वो पेड़ उनके ऊपर गिरने वाला होता है वहां पर परमैन आ जाता है और वो उन्हें बचा लेता है। और नीना परमैन को देखते ही काफी खुश हो जाती है और उसके ख्यालों में खो जाती है। तभी वहां पर डोरेमोन भी आ जाती है और उन्हें बताती है कि जैसे तुमने मुझे कहा था मैंने टीवी से परमैन को बाहर लेकर आए। तभी डोरेमोन नोबिता को ग्लव्स देती है और कहती है कि तुम्हें डोरेमोन के पेट के अंदर जाना है और इस ग्लव्स की मदद से उस मोंग को पकड़कर बाहर निकालना है। नोबिता उसकी बात समझ जाता है। तभी नीना नोबिता और परमैन डोरेमोन के पेट के अंदर जाते हैं और काफी देर बाद उस मोंग को पकड़ लेते हैं और थोड़ी देर बाद डोरेमोन अपनी नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है। और तभी वहां पर नीना की टाइम भी पहुंच जाती है और उस मोंग को फ्रीज करके अपने स्पेसशिप में रख लेती है। वहीं परमैन भी अपने वर्ल्ड में वापस चला जाता है और शाम होते ही